हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल नेशनल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे बेस के बारे में कि आप बेस कैसे लगा सकते हो। फाउंडेशन बेस हो या क्रायलॉन बेस या मैक के कोई भी, मैक में भी फाउंडेशन ही आती है और नॉर्मली फाउंडेशन इजीली लग जाती है। बेस हमारे क्रायलॉन के जैसे ये होते हैं, स्टिक भी आती है इसमें और इस टाइप की भी आती हैं और इससे छोटा साइज भी आता है। ये हमारी रेंज के अकॉर्डिंग होती है। आप स्टिक 1450 की आती है, ये 500 कुछ की है, ये और कम की आती है। ब्रांडेड है ये और अच्छी से इस तरह से मिल जाती है। तो बेस को थोड़ा सा नॉर्मली जिन लोगों को फाउंडेशन भी लगानी नहीं आती है तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं लगा पाएंगे ऐसे। और बेस में हम एक कलर आपस में मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके एक दूसरी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बट मिक्सिंग करनी अच्छे से आनी चाहिए। तो उसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मिक्सिंग नहीं करोगे। अब कई बार कहते हैं कि मैम ये नंबर बता दो, नंबर जैसे कि मेरा 626B है, अगर मैं आपको बता दूंगी और आप एक ही स्किन टोन पे ये चला देंगे, अगर आपकी स्किन व्हिटिश है तो चल जाएगा, बट आपके अगर ब्लैमिश के स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल है या टैनिंग एरिया है तो उस पर आपको पहले करेक्ट करना पड़ेगा अपनी स्किन को। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कलर करेक्टर, जैसे 303 येलो शेड आता है, ऑरेंज और ग्रीन और पिंक। तो इस तरह के चार शेड होते हैं हमारे कलर करेक्टर में जो हमारी स्किन को इक्वल करते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल एरिया को 303 करता है या निग्रो हो जाता है बहुत डार्क इस टाइप का। एलेगर में भी दिखाया था, ये बहुत ज़्यादा डार्क स्किन पे काम करता है, उस कलर को काटने के काम आता है। कलर करेक्टर का मतलब होता है कलर को ठीक करना, जैसे हम पिगमेंटेशन एरिया होता है उसको बराबर करना, या किसी के स्पॉट्स के निशान होते हैं ब्राउन, पिंपल्स के ब्राउन निशान होते हैं किसी के पिंक निशान होते हैं। पिंक निशान हमारे ग्रीन कलर करेक्टर से चले जाते हैं और जो ब्राउन होते हैं वो हमारे 303 से चले जाते हैं, या किसी का ये ग्रीन एरिया हो जाता है हेयर आने के बाद पूरा ये ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है, वो हमारा काम करता है पिंक कलर कैरेक्टर। तो इसमें हो जाते हैं कुछ कलर कैरेक्टर होते हैं, कुछ कंसीलर हमारे फाउंडेशन बेस ही होते हैं जिन्हें हम कंसीलर भी बोलते हैं। तो इसमें हम ये जो है, आप कहते हो कई बार मैम G165 कंसीलर है क्या है, वो दोनों में यूज हो जाएगा इजीली, वो दोनों में यूज हो जाएगा। तो G165 है वो एक बेस भी है और कंसीलर का काम भी करता है। जैसे कि अब कंसीलर 626A नहीं है बट हमें उसकी नॉलेज है, तो मेरा 626B है मेरा स्किन का टोन, मैं उस पर अगर यहाँ कंसीलर दूंगी तो मैं एक नंबर ऊपर आ जाएगा 626A। अगर आप चाहते हो अलग से कंसीलर परचेज कर ले, आजकल तो मार्केट में बहुत आए हुए हैं अलग से, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी हमारा वही काम करेंगे। लेकिन अगर नीचे हम कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें पहले अगर डार्क एरिया है तो कलर कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, जैसे कि डार्क एरिया को छुपाने के लिए हम 303 का इस्तेमाल करेंगे या निग्रो शेड आता है एलेगर्ल का ये वाला। इस और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क है तो हम इससे रिमूव करते हैं, या किसी के स्पॉट के निशान है तो हम पिंक स्पॉट्स के निशान अलग हो जाते हैं और ब्राउन अलग होते हैं, तो उनको भी हम उसी तरीके से कलर से करेक्ट करते हैं। तो कुछ कलर करेक्टर होते हैं, कुछ कंसीलर और कुछ ये बेस होते हैं जो कि हमारे फाउंडेशन का काम करते हैं। कई बार पूछते हो मैम फाउंडेशन क्यों नहीं लगाया है, ये सेम ये प्रोफेशनल मेकअप होते हैं बट फाउंडेशन जैसे ही होते हैं, लेकिन ये अलग चीज़ से बने होते हैं। आप देख सही सोच रही थी कि आपको बेस लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है या कौन सी स्किन पे कैसा जाएगा। कई बार क्या होता है कि अगर मेरी एज के अकॉर्डिंग अगर मैं सिंगल 626 भी लगाऊंगी और मेरे पिगमेंटेशन एरिया है और डार्क सर्कल है तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे अपनी स्किन को पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसी तरीके से दिखाऊंगी। और आप नॉर्मली यंग लड़की हैं और आपकी स्किन पे कोई भी ब्लैमिश नहीं है या पिगमेंटेशन नहीं है या कोई भी डार्क स्पॉट का निशान नहीं है तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, इसीलिए कन्फ्यूज हो जाती है, आप नंबर मांगते हो और नंबर लेने से एक नंबर आपको मैं लिखूंगी आप वही ट्राई करोगे। कई बार कहते हो मैम बेस नहीं बन रहा है, तो बेस को बनाना हमारे ऊपर होता है, आप प्रैक्टिस करोगे या अपनी स्किन में कमियां ढूंढोगे उसके बाद ही आप बना पाओगे, ऐसे नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगी कि आज मैं अपनी स्किन पे बेस बनाऊं, और आपको पता है कि मेरे थोड़ा बहुत हल्की हल्की सी आईज पे भी थोड़ा सा डार्क है, तो उसके लिए मैं पहले 303 यूज करूंगी और उसके बाद मैं आपको बेस बना के दिखाऊंगी आज सिर्फ अपना, क्योंकि मैंने मेकअप में तो बहुत सारे बनाए हैं बट उस टाइम थोड़ा साथ के साथ ब्राइडल भी पूरा करना होता है तो आप अच्छे से नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा छोटा सा एक वीडियो अलग से बना देती हूँ। तो इसीलिए आज मैं बेस बनाऊंगी और अपने स्किन टोन का बनाऊंगी, मेरा ब्यूटी टोन है बट बाद एक स्किन टोन ऊपर लेके जाऊंगी। तो इसमें यही है कि अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक मेकअप नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि किससे कैसे मैच करना है और किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम अपना वही करेंगे क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, तो उस तरीके से चलेंगे हम। सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे, क्लिनजिंग मिल्क लूंगी मैं, ओपल का ले रही हूँ, आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क यूज कर सकते हैं।
इस तरीके से अपनी फिंगर पे लेंगे और अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे, अपने फेस को, आईज एरिया को भी, क्योंकि हम मेकअप का एक बेस बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे बिल्कुल। इस तरीके से मैं आईज बेस भी आपको बताऊंगी, इसलिए मैं आईज भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो हल्का सा डार्क एरिया है मेरा और यहाँ पर बहुत लाइट स्पॉट्स है, मैंने बहुत कम कर लिए हैं। वो तेल मैंने जो तेल बनाया है एसेंस ऑयल, वो मैं वीडियो आपको दूंगी डाई फेशियल में, वो भी देखना, बहुत कम स्पॉट्स हो गए मेरे। मैं यही ट्राई करती रहती हूँ। अच्छे से क्लीन कर लेंगे फेस को बिल्कुल, अपना लिप कलर भी। इस तरीके से एयरिंग्स निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, ताकि हमारे कानों पे, अगर किसी को ब्राइड बना रहे हो आप, दुल्हन का मेकअप करना है तो आप ज्यादा अच्छा है कि एयरिंग्स वगैरह सारी ज्वेलरी निकाल देंगे, ताकि आपका बेस पूरे कान पे गर्दन पे अच्छे से लगे। इस तरीके से चलेंगे आप। इसके बाद हम टोनर लगाएंगे। देख, मैंने आयुर्वेदा का ही टोनर लिया है जो मैंने आपको दिखाया। टोनर को कभी भी रिमूव नहीं करेंगे और ना ही फैला के लगाएंगे, हल्के से अपनी स्किन पे लगाएंगे। टोनर दिखा, आयुर्वेदा का टोनर है, इसे अपने इस पे ले लेंगे। टिश्यू या कॉटन है आपके पास तो कॉटन पे ले लेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज्यादा टाइम नहीं है तो 2 मिनट के लिए तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और किसी की पिंपल स्किन है, ऑयली स्किन है, तो वो क्लींजिंग मिल्क की जगह एस्ट्रोजन यूज करें। और क्लींजिंग मिल्क इस टाइम तो खैर विंटर का टाइम है, तो आप क्लींजिंग मिल्क जरूर यूज करें। और मॉइस्चराइजर इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरीके से मॉइस्चराइजर लेंगे थर्ड पे हम। और मॉइस्चराइजर इस टाइम बहुत ध्यान रखेंगे कि अच्छे से करना है। जॉनसन बेबी थोड़ी सी ज्यादा ऑयली है, इसीलिए मैं यही करती हूँ। और आपने गर्मियों में भी देखा होगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो गर्मियों के टाइम में चेंज कर सकते हो। कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो जो आपकी स्किन पे अच्छा लगता हो आपको। तो मैं जॉनसन बेबी क्रीम ही लेती हूँ मॉइस्चराइजर के लिए। इस तरह से लेंगे इसे भी अपनी फिंगर पे और पूरे फेस पे अच्छे से लगाएंगे। मॉइस्चराइजर पूरी स्किन पे अच्छे से लगाएंगे, आपको कहीं भी ड्राइनेस नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारा मॉइस्चराइजर हो गया, आप देख सकते हो शाइन भी अच्छी आ जाती है फेस पे। इसके बाद सबसे पहले अब आप देख सकते हो, आप मैंने एक ब्राइडल दिखाई थी, उसका नोज थोड़ी सी बोल रहे थे मैम आप ब्राइडल के सामने इंसल्ट कर रहे हो। ये इंसल्ट नहीं होती है, मैं इसीलिए दिखाना चाहती हूँ कि आप आफ्टर बिफोर में फर्क मेरी वीडियो में ही देख लें। तो मैं इसीलिए, ये मेरे भी ब्लैक है थोड़ा सा डार्क सर्कल, मैं स्पेक्स यूज करती हूँ, तो आप देख सकते हो। तो मैं इन चीजों को हम कैसे कवर कर सकते हैं आप ये देखेंगे, मैं इसीलिए दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी हल्का सा स्पॉट्स है और ये टैनिंग एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसके लिए क्रायलॉन का 303। नंबर 4 पे हमारा प्राइमर आ जाएगा, ये कुडोज का प्राइमर है। आप ओरिफ्लेम में ले सकते हो, लैक्मे में ले सकते हो, क्रायलॉन में ले सकते हो, मोदी केयर का मैट फोम में वो भी ले सकते हो। आपकी स्किन पे जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपके आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और बहुत कम क्वांटिटी में लगाते हैं इस तरीके से, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लगा सकते हैं। इसको अपनी फिंगर पे लेंगे इस तरीके से। प्राइमर हमारे मेकअप का बेस होता है, जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी लगाना चाहिए, और ज्यादा अच्छा है सभी लगाएं इस तरीके से। इसे हम 2 मिनट के लिए स्किन पर ऐसे ही छोड़ देंगे। आप करना चाहते हो तो अपना आई मेकअप कर सकते हो, आपने भी देखा होगा मैं सारी वीडियो में करती हूँ, बट मैंने आज आपको सिर्फ बेस बताने के लिए अलग से वीडियो बनाया है।
इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। इसके बाद हम मेकअप शुरू करेंगे। इसके बाद चलेंगे हम 303। मैं ये क्यों लगा रही हूँ अपने, अगर मेरी स्किन इक्वल होती तो मैं 626 भी चला लेती, बट मेरी स्किन पे आप देख सकते हो आईज एरिया भी थोड़ा डार्क है और ये स्पॉट्स के निशान है, और ये आप जिसकी स्किन पे थोड़ा सा है प्रॉब्लम तो ये यूज़ करेंगे। इस तरीके से लेंगे और जहाँ जहाँ पर भी आपका डार्क एरिया है इसे क्लियर करेंगे। मैं आईज पे भी लूँगी, इधर भी हमारा टैनिंग एरिया है, जहां भी आपके ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे या थोड़ा सा डार्क एरिया होगा आप वहीं पर यूज करेंगे। इस तरीके से एले गर्ल का भी यूज कर सकते हो आप, और आपको लाइट है तो आप यही यूज करेंगे। इस तरीके से जहां पर भी आपको थोड़ा सा ब्लैक एरिया नजर आएगा आप वहीं लगाएंगे। इस तरीके से इसे आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं, और चाहेंगे तो आप अपनी फिंगर से भी कर सकते हैं। ये ब्यूटी ब्लेंडर चाहेंगे तो इससे कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं फिंगर से करूं तो आप इस तरीके से फिंगर से करेंगे। शुरू में बहुत कम लेंगे, एकदम से ज्यादा नहीं लेंगे। अगर आपको लगता है कि जरूरत है, जैसे ये लाइन अभी दिखाई दे रही है, तो आप इसके ऊपर फिर दोबारा से लेंगे थोड़ा सा। एकदम से कोई भी ज्यादा चीज नहीं लेनी चाहिए, ना ही फाउंडेशन लेंगे आप। और मैं खाली इसको नहीं करूंगी, जहां भी आपको दिखाई देगा वापस थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। सेकंड टाइम में थोड़ा ज्यादा ले लेंगे आप। यहां पर भी निशान है ये मेरा, इसको भी मैं कवर करूंगी। ये देख सकते हो मैंने सारे स्पॉट को क्रैक किया है अपने फिंगर से करेंगे, या आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना चाहते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेंगे, दोनों तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर 626 बी लगा दूंगी, क्योंकि ये येलो है तो येलो में थोड़ी सी झलक आ जाएगी, मिक्स होके थोड़ी टाइम बाद ग्रे हो जाएगा। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है करने का, कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से, बट मेरा जो एक्सपीरियंस मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, और आपने मेरा बेस देखा भी होगा, बहुत अच्छा लगता है और काफी टाइम स्टे करता है G165, ताकि ये येलो ना रहे। अगर हम येलो पे 626 बी लगा देंगे थोड़ी देर बाद ग्रे टोन आ जाएगी। तो अब हम इसको भी कवर करने के लिए 626 और G165 क्रायलॉन का, इसे भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेंगे, एकदम ज्यादा नहीं लेना है, उन्हीं एरिया पे लेके आएंगे। आप चाहेंगे तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ब्रश ये वेगा का आता है फाउंडेशन ब्रश, बहुत अच्छा, आपने देखा होगा मैं इसे ही लगाती हूँ, बट मैं आपको सारा फिंगर से बताऊंगी, फिंगर से बहुत अच्छा होता है। वापस यहां पर अगर कोई और यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हो, बट हम कलर करेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं भी वाइट कर लेते हैं, कोई भी कंसीलर आईज पे यूज कर सकते हो, बट अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है तो यहां पर भी करूंगी मैं यही शेड, अपनी आईब्रोज के ऊपर तक लेके जाऊंगी, आईब्रोज के पास तक इस तरीके से, और अपने इन स्पॉट पे भी करूंगी। और अगर आपके फेस का येलो टोन है तो ये बहुत अच्छा जाएगा सिंगल बेस ही। मैंने डायरेक्ट आई कंसीलर आई प्राइमर यूज नहीं किया है, अगर आपके पास आई प्राइमर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। आई प्राइमर आई शेडो को बहुत टाइम तक टिकाए रखता है, बट आप कंसीलर डायरेक्ट कंसीलर करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपने इस एरिया में लेके जाएंगे ताकि हमारा ये सारा टोन इक्वल हो जाए। इसे फिर से ब्लेंड करेंगे।
इस तरीके से करेंगे, हल्का हल्का, बिल्कुल इससे बहुत अच्छा हो जाता है। बट आपको पता होगा मैं ब्रश और पॉलिशिंग ब्रश ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ब्लेंडर बहुत कम यूज़ करती हूँ। इस तरीके से कर लेंगे, हमारे दोनों सेट हो गए हैं। और उसके बाद अगर आपको नीचे डार्क सर्कल है बहुत ज़्यादा इसमें, तो यही दोनों नंबर यूज़ करेंगे। और उसके ऊपर हम थोड़ा सा फेयर टोन देने के लिए अपने बेस के बाद एक नंबर ऊपर यूज़ करते हैं, बट नीचे का कवर करेंगे तो हम वही देंगे जो दोनों शेड मैंने दिए हैं। जैसे कि हल्का सा है, मैं आपको नीचे का भी कवर करके दिखा देती हूँ। आइस का ये लगाएंगे हम, मेरे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है मेरे, बट जिनके बहुत ज़्यादा होता है ये आईज एरिया, वो लगाएंगे जरूर इसे। इस तरीके से, और आईज के ज्यादा पास नहीं लगाएंगे, उससे आईज छोटी नजर आएगी, थोड़ा सा आईज से दूर रखेंगे। अब दोबारा से फिर वही शेड अपना, हल्का सा, ज्यादा डार्क नहीं है मेरा आईज एरिया, ऊपर से ज्यादा थोड़ा हो गया है स्पेक्स के कारण। इस तरीके से आप देख सकते हो आईज भी और फेस भी। अब आएंगे हमारे बेस पे, मेरा स्किन टोन 6 to 6B क्रायलोन है, क्योंकि मेरा ना ही तो ज़्यादा फेयर टोन है और ना ही डार्क टोन है, मेरा बीच का टोन है। बट ऐसा नहीं है कि 6 to 6 मेरा फेयर हो सकता है, मुझसे थोड़ा लाइट हो सकता है। तो एक ही फाउंडेशन के बेस में तीन तीन कलर होते हैं, तो इसीलिए नंबर ये नहीं होता कि आप कहते हैं मैम मेरा आप जैसा टोन है, बट हो सकता है कि आपके में थोड़ी सी मुझ में जैसे प्रॉब्लम है तो आपके में ना हो, या आपका थोड़ा सा मुझसे फेयर हो, या आपका मुझसे थोड़ा सा लाइट हो, तो इस तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा अच्छा है कि अपनी स्किन पर चेक करके लें और नंबर देख के ही लें। इसके बाद आऊँगी मैं अपने बेस के कलर पर, मेरा क्रायलॉन का 6 to 6B है। आगे से मैं आपको स्टिक में मेकअप दिखाऊंगी, आप देख सकते हो मेरे खत्म होने वाले हैं, इनकी मैं स्टिक लाऊंगी और स्टिक से ही मेकअप बताऊंगी आपको। तो ये बी है, इसे अभी हमारा फेस बेस का काम करेगा। तो आप चाहेंगे तो फाउंडेशन ब्रश भी ले सकते हो, आप चाहेंगे तो फिंगर भी। इसमें फिंगर हम इसीलिए लगा रहे थे कि हमें सेट करना होता है साथ के साथ, और थोड़ा थोड़ा लेके चलना होता है क्योंकि हमें एक बेस बनाना है। अब मैं इसको इस तरीके से लूंगी। अगर आप ब्राइडल हैं तो आप थोड़ा कितना फेयर लुक देना चाहते हैं, कितना अच्छा देना चाहते हैं, एकदम होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं, या आपको नेचुरल रखना है तो उसकी इसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से रखेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना कम कम लगाऊंगी और कितना अच्छा टोन आएगा। अगर फाउंडेशन हमारे स्किन टोन से मैच करता है तो बहुत अच्छा बनेगा थोड़े से बेस में, अगर मैच नहीं करा होगा तो आप कितना ही ज़्यादा लगाएंगे वो फिर भी थोड़ा डल लुक देगा। तो आप देखेंगे मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, और अपने इस एरिया पर भी पूरा लगाएंगे हम। कई लोग कॉन्टूर पहले कर लेते हैं या कैसे भी करते हैं, अपने अपने तरीका होता है, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि सिंपल तरीके से आप लोगों को सिखाऊं। अपना नेक एरिया भी कवर करेंगे, मैंने इयररिंग्स निकाल दिए हैं, अपने कान पे भी लगाएंगे ताकि इक्वल लुक आए। ये मेकअप बहुत शाइन करता है और बहुत टाइम टिका रहता है। जब इस मेकअप को कर लेते हैं हटाने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा टाइम जाता जाता है तो और ज़्यादा फेयर लुक देता है और काफ़ी अच्छी ग्लो आती है। ये देख रहे हो इस तरीके से, आप चाहेंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हो, मैं आधा फेस इससे करूंगी आधा फेस उससे, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको लेंगे, हल्का सा गीला किया हुआ है मैंने, ये सूखा नहीं चलाएंगे आप, हल्का सा गीला करेंगे, गीला करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके से करेंगे, आप देख सकते हो ये मैंने इससे किया है। अब मैं इधर साइड का आपको ब्रश से करके दिखाती हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने बहुत कम लिया है। मैं अभी आपको लाइट दिखा रही हूँ, फिर डार्क दिखाऊंगी, थोड़ा सा ज्यादा लेके दिखाऊंगी। अपने नोज एरिया के पास से इधर से इस तरीके से, बट इससे क्या होता है ये हमारा ब्लेंड नहीं होगा, हमें पॉलिशिंग ब्रश यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं देखा होगा आपने अपने हर मेकअप में करती हूँ। पॉलिशिंग ब्रश से मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरा मेकअप काफी देर स्टे करेगा। देख सकते हो
अभी भी अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो मुझे लगेगा कि थोड़ी देर बाद पैची लुक आएगा, इसीलिए मैं इसको पॉलिशिंग ब्रश से मर्ज जरूर करूंगी। पॉलिशिंग ब्रश लेंगे और बिल्कुल हल्का हल्का सा इसे राउंड राउंड में घुमाएंगे। अच्छी तरह से आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा ये। आप ये देख सकते हो, मैंने इतना ही लगाया था। आप चाहते हो इससे ज्यादा लगाऊं तो आप इससे ज्यादा लगा सकते हो, बट मैं नॉर्मल दिखा रही हूँ आपको बेस लगाने का तरीका। अब इसके बाद आएगा हमारा ऊपर से जो हम आई कंसीलर करते हैं वो लगाएंगे। बेस इतना ही लगाएंगे। आपको थोड़ा ब्राइडल पे करना है तो थोड़ा ज्यादा या कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो कम नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लगाया था। और आप देख सकते हो जो भी ब्लेमिश एरिया था या डार्क स्पॉट थे या आईज पे था पूरा इक्वल हो गया हमारा। और अभी लूज पाउडर इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद चलेंगे हम कंसील एरिया पे। आएंगे आपका 6 to 6 भी है और आप कंसीलर अलग से नहीं लेना चाहते, अब इसे करेंगे अपने इस एरिया को उभारने के लिए। हम थोड़ा सा लाइट इसलिए लेते हैं ताकि अपने इस एरिया को उभार सके, ये एरिया हमारे थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, इसीलिए यहां से करेंगे। आप फिंगर से ही ले लेंगे, इस इधर से यहां लेंगे ये एरिया, नोज जो भी हमारे गहराई में होते हैं एरिया वहां ले लेंगे, और थोड़ा सा ब्राइटनेस लुक देने के लिए इस तरीके से चलेंगे। इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, अपनी फिंगर से करना चाहते हैं तो फिंगर से कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये एक नंबर ऊपर लगाया था मैंने, आपके पास 6 to 6 बी लगा रहे हो तो ए लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो गया, नोज का भी करेंगे यहाँ, ये देख सकते हो आईज का एरिया कितना क्लियर आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम चले पाओ, आई कंसीलर लगाया है मैंने, मैक का लगाया है। आप चाहेंगे तो ये देख सकते हो आईज एरिया कितना उभर के आ गया बाहर की तरफ। तो ऊपर लगाने का मतलब यही होता है, हम नीचे लगा रहे हैं तो हम अपने डार्क एरिया को कवर कर रहे हैं। एक तो लाइट लेते हैं, लाइट से हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा और डार्क कलर कैरेक्टर से हमारा छुट जाएगा। आईज का भी यहाँ कलर कैरेक्टर हम ऊपर से लाइट इसीलिए देते हैं ताकि हमारी ये स्किन का हिस्सा बाहर की तरफ हमारा। आप चाहेंगे पहले यहाँ कॉन्ट्यूर कर लेंगे, कॉन्ट्यूर उस आई शेडो और उसके बाद अपना फेस पाउडर। तो मैं आपको फेस पाउडर लगा के दिखा देती हूँ। ये हमारा यहाँ बेस कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। आप जितना फेयर लुक देना चाहते हो दे सकते हो और जितना लाइट रखना चाहते हो रख सकते हो। आप नॉर्मली घर में कर रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप नॉर्मल कर सकते हो, और आपको ब्राइडल का करना है किसका रखना है थोड़ा हैवी लुक भी कर सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो। इसको अब हम सेट करेंगे, आप चाहेंगे तो कॉन्ट्यूर कर लेंगे उसके बाद लूज पाउडर लगा लेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि पहले लूज पाउडर से सेट कर लें और बाद में करें तो उस तरीके से कर सकते हो। आई मेकअप भी कर सकते हो साथ के साथ इसके बाद। सॉरी, अब मैं लूज पाउडर लगाऊंगी जिससे हमारा सेट हो जाएगा। लूज पाउडर इसको बोलते हैं। अब अगर आपके पास ये नहीं है तो लूज पाउडर से मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी देर स्टे करता है, तो आप लूज पाउडर नहीं लगाना चाहते तो इस टाइप के टू वे केप यूज कर सकते हो। आप इस तरीके से लेंगे, इसमें हमें ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां से हम पूरे मेकअप को ही सेट कर लेंगे। आप ब्लशर और कॉन्ट्यूर बाद में कर सकते हो, और यहाँ पर भी जरूर लगाएंगे इसका थोड़ा सा। कई बार होता है यहाँ पे कंसीलर की लाइन आ जाती है, किसी किसी ने देखा होगा, तो मैट अच्छे से ताकि हमारे आई शेडो भी टिकी रहे और लाइन भी ना आए, इस तरीके से करेंगे। अपना पूरा नेक एरिया ले लेंगे मैंने, बट नेक एरिया थोड़ा जल्दी से कवर नहीं किया है क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बेस दिखाना था। कल ही मुझे मिला था कमेंट में कि मैडम बेस बता दें, इस तरीके से सेट करेंगे। ये आप देख सकते हो दोनों तरफ फेस, क्योंकि जब तक हम लूज पाउडर नहीं लगाते हैं हमारा मेकअप का बेस नहीं बनता। आप देख सकते हो यहाँ आपको ऑयली ऑयली सा लग रहा होगा, ये सेट हो गया है। इसमें शाइनिंग आ जाएगी जैसे जैसे हमारा मेकअप थोड़ी देर स्टे करेगा। अब इधर मैं आपको लूज पाउडर यूज करके दिखाती हूँ। लूज पाउडर मैं कुडोस का ले रही हूँ और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ब्रश लेंगे, पाउडर ब्रश,
हमारा मेकअप इसी से सेट होता है और काफी देर स्टे करता है। आप दोनों तरफ फर्क देख सकते हो, ये मैंने लूज पाउडर यूज किया है, बट इस तरीके से करेंगे। बाद मैंने आपको बेस बताना था, आज सिर्फ बेस के लिए की थी, बट मेरा मन तो कर रहा है कि मैं मेकअप भी बता दूं आपको। बट मैं आप बेस पूरा देख लेंगे, अच्छे से कॉन्ट्यूर करेंगे, ब्लशर करेंगे, आई शेडो करेंगे, आईब्रोज पेंसिल और काजल लाइनर लगाएंगे, लास्ट में आप लिप कलर लगा लेंगे। बट मैं अभी आपको लिप कलर लगा के दिखा देती हूँ कि ये लिप कलर स्टे क्योंकि के मैंने मंगवाए थे, आपको बोला था कि एक एक शेड लगा के दिखाऊंगी, इसलिए आप देख सकते हो बेस भी उभर के आ जाएगा हमारा। और जब हमारा हाइलाइटर और कॉन्ट्यूर होगा और एक ब्लशर लगेगा तो बहुत अच्छा होगा। सबसे मेन होता है हमारा आई शेडो और ब्लशर कॉन्ट्यूर, जिनसे मेकअप में निखार आता है। ये 9 नंबर है पर्पल कलर, तो मैंने आपको बोला था कि अपनी वीडियो में दिखाती रहूंगी और आप मेरा बेस देख सकते हो। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।